खबर गांव की हो या किसान की, महिला की हो या सफल इंसान की, हर अच्छी खबर दिखाएगा ग्रामीण न्यूज। ग्रामीण न्यूज YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पानी तक नहीं पी सकते, इतनी फायरिंग हो रही है। सारे लोग बहुत खौफ में और कोई भी जगह नहीं, मतलब छुपने की, हम कहाँ जाएं। बाहर सर्दी है तो अंदर मतलब मकान में ज्यादा डर लग रहा है कि क्या करें। आज जो सुबह हमने देखा है, या सुबह कोई 3-4 के बाद जो हमने आवाज़ें सुनी है हवाई जहाज़ों की, तो असल में हम ही घबरा गए कि शायद ये क्या हो रहा है। तो फिर हमने सुबह भी ये 6:30 तक ये जहाज़ों की आवाज़ें जो आती रही हैं, तो उसके बाद तुरंत ही बाद जो हमने टीवी पे देखा कि वो हिंदुस्तान ने जो है POK के जो कुछ मिलिटेंसी के जो कैंप्स थे उन पे हमला किया गया है। आज 3:30 बजे के लगभग हमने हजारियों की आवाज़ सुनी, तो उसके बाद सुबह जब उठे हम पता चला कि एयर स्ट्राइक किया है कोई पाकिस्तान के जो दहशतगर्द कैंप हैं उन पर। तो हम इसके हक में हैं कि अगर वो बार बार हमारे पर ये जुर्म और जुल्म सोचते हैं, ये बॉर्डर के लोगों को गोले फेंकते हैं, गोलियां फेंकते हैं, तो अंदर जवानों को आके ऐसा किया है, तो हम इसके हक में अच्छा किया है। हमारी फौज बहादुर है, हम खुश हैं अपनी फौज पर, जो किया बहुत अच्छा किया। तो जो आज भारतीय सेना ने, वायुसेना ने जो पाकिस्तान के ऊपर जो कार्रवाई की हुई है, तो उससे पूरा देश बहुत खुशी का माहौल है पूरे देश में। और हम जो बॉर्डर एरिया के लोग हैं इस समय बहुत घबराए हुए हैं, क्योंकि 6 बजे से लेके KG बरलोई, मनकोट और मेंढर, इस साइड में पाकिस्तान की हैवी शेलिंग चल रही है दोनों साइड से। और जो गांव के लोग हैं हम बहुत घबराए हुए हैं। तो अभी पाकिस्तान के दिल में क्या चल रहा है अभी हमें बिल्कुल पता नहीं है, मगर हम अपने जो भारत की सरकार है हम उसका बहुत शुक्रिया करते हैं कि जिसने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। हल्ला छोड़कुल वाली खबरों से दूर रहने के लिए सब्सक्राइब करें ग्रामीण न्यूज।